15 अप्रैल 1912 में जब तैरता हुआ शहर यानी कि टाइटैनिक डूब गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस वीडियो में आप टाइटैनिक से जुड़ी 15 ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो शायद आपको चौंका दे। नंबर 1, टाइटैनिक अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी लंबाई 260 मीटर से अधिक थी और 53 मीटर ऊंची थी। टाइटैनिक की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर उसको वर्टिकल यानी कि सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये अपने वक्त की सभी इमारतों से ऊंची होती। यही नहीं, इसकी हर एक चिमनी की लंबाई किसी 16-17 माले की बिल्डिंग के बराबर थी। नंबर 2, टाइटैनिक के 4 चिमनियों में से 3 चिमनियों का काम कोयले के धुआं को बाहर निकालने का था। बची हुई एक चिमनी को वेंटिलेशन के लिए यूज करते थे। आपको ये भी बता दें, टाइटैनिक को एक दिन के सफर के लिए 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी और हर रोज ये 100 टन धुआं वातावरण में छोड़ता था। नंबर 3, टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च सन 1909 में 3000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया और बस 26 महीनों में बना डाला। टाइटैनिक के बनने के बाद उसे करीब 1,00,000 लोग देखने आए। नंबर 4, 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक की। ये बात किसी ने भी नहीं सोची होगी कि ये इसकी पहली और आखिरी सफर होने वाली है। 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 पे ये जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया, जिसके वजह से जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया और पानी अंदर भरने लगा। टकराव के बाद जहाज पे खौफ का माहौल बन गया। लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को जहाज से सुरक्षित उतारा जाने लगा। इस विशाल जहाज को डूबने में करीब 2 घंटा 40 मिनट से भी ज्यादा वक्त लगा। नंबर 5, टाइटैनिक पे 2223 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 1517 लोग आइसबर्ग के टकराव से नहीं बच सके। ये अपनी पूरी क्षमता पे भी नहीं था। इसमें 3500 से ज्यादा लोग आराम से आ सकते थे। टाइटैनिक पे 800 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से करीब 250 क्रू मेंबर्स का काम सिर्फ कोयले की भट्टी में था। नंबर 6, टाइटैनिक के डूबने के साथ खौफ का माहौल छा गया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। खौफ के माहौल में भी टाइटैनिक में मौजूद म्यूजिशियंस सामने आए और लोगों का धैर्य बढ़ाया। बताया जाता है कि शिप के म्यूजिशियंस ने आखिरी सॉन्ग नियरर माई गॉड टू थ्री को बजाया था। नंबर 7, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को आखिरी खाना 11 कोर्स मील्स दिया गया। इस शिप पे करीब 34,000 किलो मीट, 5,000 किलो ताजी मछलियाँ, 15,000 बियर बोतल, 5,000 लीटर दूध और भी बहुत कुछ था। नंबर 8, जॉन जैकॉब एस्टर 4 यानी कि एस्टर परिवार का वो शख्स जो कि टाइटैनिक के सबसे रईस था। इनके पास $85 मिलियन यानी कि आज के समय पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी। टाइटैनिक के डूबने के साथ इनका भी निधन हो गया। नंबर 9, टाइटैनिक 64 लाइफ बोट्स को ले जाने में सक्षम था, लेकिन इसने केवल 20 लाइफ बोट को सफर में साथ लिया। इस जहाज पर 9 डॉग्स भी थे। बदकिस्मती से बस 2 ही डॉग्स को बचाया जा सका, एक पोमेरियन और एक पेंटिनिश। नंबर 10, समुद्र की सतह से लगभग 2.5 मील नीचे टाइटैनिक का मलबा है। ये जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और इनके बीच का अंतर समुद्री तल में लगभग 2000 फीट हो गया। नंबर 11, टाइटैनिक के डूबे मलबे को खोजने में 70 साल से ज्यादा का वक्त लगा। इसके अवशेष 1985 तक नहीं मिले थे। डॉक्टर रॉबर्ट डी बेलॉर्ड के साथ अमेरिकन और फ्रेंच रिसर्चर्स की टीम ने रोबोट सबमरीन की मदद से टाइटैनिक के मलबे की खोज की। नंबर 12, मलबे वाले जगह से 6000 कलाकृतियां बरामद की गई, जिसमें से एक वॉयलिन 2013 के यूके ऑक्शन हाउस में $1.7 मिलियन में बेचा गया, यानी कि करीब 12 करोड़ में। इसके अलावा टाइटैनिक के आखिरी लंच मेन्यू को $88,000 में बेचा गया था, यानी करीब 65 लाख रुपए। नंबर 13, क्या एक नॉवेल ने 14 साल पहले टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी की थी? इस फैक्ट को जरा ध्यान से सुनिए। 1898 में अमेरिकन ऑथर मॉर्गन रॉबर्टसन ने ब्रेक ऑफ द टाइटन नाम की नॉवेल लिखी। ये नॉवेल एक काल्पनिक जहाज के बारे में थी जो आइसबर्ग के टकराव के कारण डूब गई। इसके अलावा इस बुक में ये भी लिखा पाया गया कि जहाज पर सभी के लिए लाइफ बोट्स पर्याप्त नहीं थी। क्या ये बात जानी पहचानी से नहीं लग रही आप लोग को? नंबर 14, एडमॉन्ड और माइकल नेवरटाइल
इतिहास में अकेले माता पिता के बिना टाइटैनिक से बचने वाले बच्चों के रूप में है। इन्हें टाइटैनिक ऑर्फन के निकनेम से जाना जाता है। इनके पिता माइकल ने बच्चों को माँ से किडनैप कर लिया और अमेरिका ले जाने का योजना बनाया। इन्हें आखिरी बार बच्चों को लाइफ बोट में रखते देखा गया। नंबर 15, आखिरी टाइटैनिक में जीवित बचे एक बच्चे की मौत 97 साल की उम्र में हुई, मिलविना डीन, जिनकी मृत्यु निमोनिया होने के कारण से हुई। ये बस 2 महीने की थी जब ये टाइटैनिक पे थी। ये सबसे कम उम्र वाली पैसेंजर थी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो ये रहा आज का बोनस फैक्ट। क्या आप टाइटैनिक बेलफास्ट के बारे में जानते हैं? ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक विजिटर एक्सपीरियंस बिल्डिंग है। ये उस जगह पर है जहाँ पर टाइटैनिक शिप की डिजाइन और लॉन्चिंग की गई थी। ये 9 इंटरप्रेटिव और इंटरैक्टिव गैलरीज की विशेषता वाली एक आइकॉनिक 6 मंजिला इमारत है जो दर्शनीय स्थलों और ध्वनियों और टाइटैनिक की कहानियों के बारे में बताती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ जल्द आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।